नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है क्योंकि आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है उद्धव और शिंदे गुट के मामले पर। 16 विधायकों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देगी कि ये अयोग्य करार होते हैं या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले साल जब उद्धव ठाकरे से उन्हीं के नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी और उनके 40 विधायकों को अपने साथ ले गए थे, तो उद्धव ने पहले तो अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद शिंदे के खिलाफ अपना गुस्सा भी उतारा, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 16 विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्या फैसला सुनाएगी। तो आपको यहां पर मैं बता दूं कि 16 विधायकों को लेकर आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। जी हां, सुनवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी बीच अब सवाल ये रहा है कि इन 16 विधायकों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। देखिए, अब तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक फैसला उद्धव के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर इन 16 विधायकों को लेकर जो याचिका उद्धव ठाकरे ने दाखिल की है, अगर फैसला उद्धव के पक्ष में आता है तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में ये 16 विधायक क्या एक बार फिर से मातोश्री की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर सरकार से अलग हो जाते हैं एकनाथ शिंदे तो फिर आखिरकार ये 16 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ क्यों रुकेंगे। तो क्या उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ी जीत मिलने वाली, क्योंकि अगर ये विधायक फिर से मातोश्री की तरफ जाते है, जो कि लगातार उद्धव ठाकरे कोशिश भी कर रहे थे कि फैसला आने से पहले वो किसी तरह इन विधायकों को मातोश्री लाने में कामयाब हो जाए, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सुनवाई शुरू हो चुकी है और फैसला भी थोड़ी देर में आ सकता है। ऐसे में अब यहां पर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि 16 विधायकों को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट उद्धव के पक्ष में फैसला सुनाता है तो क्या ये 16 विधायक मातोश्री की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे की सरकार बिखर जाएगी। ऐसे में अब यहां पर देखिए, इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है वो मैं आपको बता दूं, तो देखिए इस पूरे मामले में आज जिस तरह से सुनवाई शुरू हो चुकी है और अब यहां पर 14 विधायकों की योग्यता पर भी आज शायद निर्णय आ सकता है, यानी कि 40 में से 16 विधायकों की अयोग्य करार देने की जो याचिका उद्धव ने दाखिल की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है इस वक्त उद्धव को ये पूरा भरोसा है कि फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा। हालांकि शिंदे की अगर बात करें तो शिंदे भी लगातार ये उम्मीद जता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन अगर उद्धव के पक्ष में फैसला आता है तो 16 विधायकों की मातोश्री में एक बार फिर से वापसी हो सकती है। हालांकि आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।